एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूपी सेन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नॉनवेज आइटम, और ये है बंगाली ऑथेंटिक रेसिपी। फिश हेड से मैंने एक रेसिपी प्रिपेयर किया है विथ कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और कमेंट्स कीजिए। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर और एनकरेज करता है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड, और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, और मैंने बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी प्रिपेयर किया है। इवन बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉलीफ्लावर को कट कर लिया है, साथ में एक पोटैटोस को भी कट कर लिया है, और इसे हल्का सा स्टीम कर ले। और यहाँ पे मैंने अनियन चॉप करके रखा है, टोमेटोस एंड ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एक छोटे से बाउल में एक टीस्पून के करीब गार्लिक पेस्ट ऐड करें, एक टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करें, सम टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन थोड़ा सा वाटर ऐड करें इसमें, और मैंने इसमें ऐड किया है एक चम्मच के करीब सनराइज शाही गरम मसाला पाउडर। आपके पास अगर शाही गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख दें। ये है सनराइज़ का शाही गरम मसाला पाउडर, और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिया हुआ है क्या क्या इसमें मिला हुआ है। और मैंने इसे कोलकाता से परचेज़ किया था, और इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो आप किसी भी सब्ज़ी या नॉनवेज आइटम में इसे डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हांस होता है। नेक्स्ट स्टेप में फ़िश हेड को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये रोहू फिश हेड है, और इसे अभी मैरिनेट करना है विथ टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट ऐड करें इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ऐड करें चिली पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, एंड सम लेमन जूस। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हो, एंड लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से लगाएं फिश हेड पे, ऊपर नीचे आगे पीछे। अच्छे से लगाने के बाद इसे कवर करके मैरिनेशन पे रख दें फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करें। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल से फ़िश बहुत ही यमी बनता है। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लेस ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें से शेड को ऐड करें, और इसे अच्छे से फ्राई करें फ्रॉम बोथ द साइड्स, गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करें कवर करके। दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है, अगेन मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो उसमें ऐड करें ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता ऐड करें, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करें। जैसे ही खड़े मसाले भुन जाए इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ अनियंस, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। और इधर दूसरी कढ़ाई में फ़िश हेड को टर्न कर दें, क्योंकि वन साइड फ्राई हो चुका है।
इधर हमारा अनियन सब फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करें कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज़ को और इसे अच्छे से फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें ऐड करें टर्मरिक पाउडर फॉर कलर और अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। जब पोटैटोज़ और कॉलीफ्लावर अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसमें ऐड करें चॉप किया हुआ टमाटोस। साथ में ऐड करें हम लोग जो मसाला घोल के रखे थे उसे ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें तब तक जब तक कि मसाला अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल रिलीज ना हो। एट दिस स्टेज इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसे कुक करें। और इधर देखिए फ़िश है जो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब ये टूटने भी लगा है। एट दिस स्टेज इसे थोड़ा सा ब्रेक करें अपने स्पैचुला से और इसे अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें ताकि एक एक पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाए। और इधर हमारी गोभी और आलू मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और थोड़ा सा भुनना बाकी है। सो इसे थोड़ा सा मिक्स करके अनदर 5 मिनट्स के लिए इसे कुक करें। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब इसमें ऐड करें धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स और इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अब इसमें ऐड करें फ़िश हेड को और फ़िश हेड भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हॉट वाटर ऐड करें और जितना ग्रेवी चाहिए उतना वाटर ऐड करें। इसमें इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल और इसे कवर करके 5 to 10 मिनट्स इसे कुक करें ताकि सारे मसाले इन्फ्यूज़ हो जाए। फिश हेड और कॉलीफ्लावर, पोटैटो, सारे मसाले सभी चीज़ों में अच्छे से घुल मिल जाए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारा रेसिपी पूरी तरह से तैयार है और इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ या पुलाव के साथ भी। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और देखिएगा घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ये ऑथेंटिक बंगाली कुजीन है, आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।